उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में उनकी एग्जाम्पल्स के बारे में एज वेल एज़ नेचुरल इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर मैन मेड इंडिकेटर यूनिवर्सल इंडिकेटर पी एच स्केल सब कुछ डिटेल में समझा और अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को वॉच आउट नहीं किया तो जल्दी से जाइए चैनल पर प्लेलिस्ट अपलोड कर दी गई है और साथ ही साथ शॉर्ट्स वीडियोस भी अवेलेबल होंगी आपको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स की ताकि आप कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ आप अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी कर पाएं ताकि आपकी नॉलेज और इन्हेंस हो सो टूडेज़ टॉपिक इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इससे पहले कोई भी ऐसा आपने इक्वेशन, कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं पढ़ा तो ये आपका फर्स्ट रिएक्शन है आपकी क्लास सेवेंथ का केमिस्ट्री का फर्स्ट केमिकल रिएक्शन दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो स्टोरी समझेंगे और इस रिएक्शन को ईजीली याद भी करेंगे तो आर यू रेडी टू गो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हमने इंडिकेटर से रिलेटेड पढ़ा हो उसे थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं जैसे कि एज यू ऑलरेडी नो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में कोड क्या था हमारा जल्दी से बताओ कोड क्या था क्या याद करने के लिए बोला था मैंने आपको मैंने आपको कोड बताया था ए बी आर यानी कि एसिड ब्लू को रेड में चेंज कर देता है दूसरा था बी आर बी यानी कि बेस रेड को ब्लू में चेंज कर देता है ए बी आर यानी कि एसिड ब्लू टू रेड बेस रेड टू ब्लू तो बिल्कुल वही स्टेटमेंट मैंने एज अ लैंग्वेज फॉर्मेशन में लिखी है तो मेरे साथ रीड आउट करेंगे सो रेड लिटमस टू ब्लू विल बी अ बेसिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर टू रेड विल बी असिडिक सोल्यूशन ए बी आर और बी आर बी ठीक है द सॉल्यूशन विच हैज नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस पेपर विल बी न्यूट्रल एंड इट इज इट विल बी ए डिस्टिल वॉटर केन्गर एज यू ऑलरेडी नो दो तरह के हमारा हाँ हमने पड़ा हुआ एसिड्स में क्या कलर चेंज होगा बेस में क्या कलर चेंज होगा लिटमस का जिसमें लिटमस का कलर चेंज ही नहीं हो रहा दैट मीनस वो कौन सा सोल्यूशन होगा न्यूट्रल सोल्यूशन होगा न्यूट्रल सोल्यूशन की पी एच वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बताओ प्रीवियस क्लास में हमने समझा था यस yes, न्यूट्रल सबस्टैंस की पी एच वैल्यू जो है सेवन होती है अब जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या क्या है ये भी हमने वीडियो के थ्रू समझा हुआ है यस डिस्टर्ड वाटर जो कि हमारा प्योर वाटर होता है केन शुगर ग्लूकोज ये सभी जो है न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं तो आपको इतना क्लियर है कि कलर चेंज कैसा हुआ एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में अब ये जो एसिड्स और बेसिक सब्सटेंस होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं केमिकली ऑपोजिट होते हैं यानी कि अगर इसे हम आपको पता है जैसे कि कोई भी मूवी देखने जाते हैं एक हीरो होता है और एक विलेन होता है स्टोरी में बिल्कुल ऐसे एसिड और बेस जो हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हीरो और विलेन की तरह हैं तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है अगर हीरो जो है ज्यादा पावर दिखाता है तो विलेन जो है वो भी सोचता है मुझे भी पावर दिखानी है तो दोनों आपस में लड़ते हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं नल्लीफाई कर देते हैं यानी कि एक दूसरे के बिहेवियर को क्या करते हैं कट डाउन कर देते हैं और रिएक्शन कैसा हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है ये छोटी सी स्टोरी एसिड और बेस जो है हीरो और विलेन की तरह है जो दोनों ही पावर दिखाएंगे और दोनों ही पावर को कट डाउन करेंगे और क्या करेंगे पावर जैसे ही कट डाउन होगी वहाँ पर पीस और पीस और का आ जाएगा, यानी कि शांति हो जाएगी ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एसिड और बेस को जब मिक्स किया जाता है तो दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करते हैं न्यूट्रलाइज कर देते हैं नल्लीफाई कर देते हैं दोनों एक दूसरे की पावर्स को तो आप करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को किस तरीके से लिखते हैं द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विदेस टू फॉर्म अब ध्यान रखना है एसिड और बेस अगर रिएक्ट करेंगे तो कुछ बनेगा भी तो सही तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं दोनों एक दूसरे के सॉल्यूशन में मिक्स किए जाते हैं तो क्या बनता है सॉल्ट और वाटर बनता है अब इस केमिकल रिएक्शन में एसिड और बेस कहाँ लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं और लेफ्ट साइड वाले जितने भी हमारे एसिड बेस जो भी आता है लेफ्ट साइड में हमेशा ध्यान रखना है उन्हें क्या कहते हैं रिएक्टेंट्स कहते हैं हमेशा ध्यान रखना है जो आपस में क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं और एरो की इस साइड आपने देखा एरो की इस साइड यानी कि राइट हैंड साइड पे सॉल्ट प्लस वाटर लिखा है तो सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो प्रोडक्ट है ये भी आपको ध्यान रखना है तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या करते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है आपसे अगर पूछा जाए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन कौन से हैं तो आप ध्यान से बोलोगे एसिड एंड बेस दे आर दी रिएक्टेंट वेयर एज प्रोडक्ट क्या है सॉल्ट एंड वाटर सम हीट इज ऑलवेज इवाल्व्ड और प्रोड्यूस्ड इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिस हीट रेज इज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर ड्यू टू विच रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट हमेशा ध्यान रखना है एसिड और बेस जो है हीरो और विलन है दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे यानी कि दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे तो क्या होगा जो वहाँ की सराउंडिंग है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी वहाँ पर यानी कि बहुत ज़्यादा शोर होगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी सभी लोगों को तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट जो है रिलीज होती है इवॉल्व होती है और ये जो हीट होती है वो क्या करती है रिएक्शन का टेम्परेचर जो है वो रेज कर देती है जिसकी वजह से रिएक्शन मिक्सचर जो होता है वो हॉट हो जाता है अब सॉल्ट जो यहाँ पर बना है आपने अभी देखा एसिड प्लस बेस के सॉल्ट एंड वाटर अब ये जो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ये सॉल्ट डिपेंड करता है कि हम कौन सा एसिड और कौन सा बेस यूज कर रहे हैं अब कौन सा एसिड कौन सा बेस का मतलब क्या है यहाँ पर एज यू ऑलरेडी नो स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं वीक एसिड्स भी होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है वीक बेस भी होता है तो जब हम आपस में एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो ये डिपेंड करेगा जो सॉल्ट बन रहा है वो एसिडिक इन नेचर होगा या बेसिक इन नेचर होगा होगा न्यूट्रल होगा वो सॉल्ट पर एसिडिक नेचर वाला सॉल्ट होगा या बेसिक नेचर वाला सॉल्ट होगा ये डिपेंड करता है हम कैसा एसिड और कैसा बेस यूज कर रहे हैं अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बेस हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं जिसे कैसे लिखते हैं एन ए कैपिटल ओ कैपिटल एच सोडियम हाइड्रोक्साइड दूसरा हमने एसिड लिया एज यू ऑलरेडी नो बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे एसिड हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो अब सॉल्ट क्या बनेगा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एन जब एस के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर ओ OH एच और एच आपस में मिलकर क्या बना देंगे वाटर बना देंगे और एन ए सी एल क्या बन जाएगा हमारा सॉल्ट बन जाएगा एन ए सी एल सॉल्ट है जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं और एच टू ओ क्या है हमारा वाटर है तो ये है केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन में हम केमिकल सिंबल्स के थ्रू अपनी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कौन सी इक्वेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की इक्वेशन आई होप आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की इक्वेशन केमिकल इक्वेशन एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एसिड और बेस रिएक्ट होने के बाद क्या बना रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं आपका डाउट जरूर क्लियर करा जाएगा टिल देन टेक केयर बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग Till then, take care. Thanks for watching and please subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon.